मैडम बड़ी मुश्किल में है, अबान बाबा, शायन बाबा और निम्रा मैडम, आप प्लीज कुछ कीजिए, वो लोग इन लोगों की जिंदगियों के दुश्मन बन चुके हैं। आलम, जैसा कि तुमने बताया कि वहां का सिक्योरिटी स्टाफ तक सिकंदर का आ गया है, निमो भी कैद है, हम इस वक्त वहां नहीं आ सकती। रोशनी मुझे कभी निमो से मिलने नहीं देगी, हमें कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। मैडम प्लीज कुछ भी कीजिए, पुलिस को बुलाएं, बस जिंदगियां बचा लें लोगों की, प्लीज। हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। सिकंदर और रोशनी बहुत खतरनाक है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हमें सबसे पहले निमो और शायान को वहां से निकालना होगा किसी भी तरह। आबान को तलाश करने का काम मैं करूंगी, मैं हाई अथॉरिटी तक जाऊंगी। मैडम मगर हम शायान बाबा और निम्रा मैडम को वहां से कैसे निकाल सकते हैं, उन लोगों की तो कड़ी निगरानी की जा रही है। मैं बताती हूँ तुम्हें आगे क्या करना। क्या बात है, आपके चेहरे पे क्यों 12 बजे? थक गई हूं मैं सिकंदर, ये सब कब खत्म होगा, कब मिलेगी मुझे मेरी खुशी, कब मिलेगा मुझे मेरा इंतकाम? बहुत जल्द मिलेगी आपको खुशी, वैसे भी अब तो सब कुछ प्लान हो चुका है। कल तुलू होने वाला सूरज आपका है, सिर्फ आपका। मेरी मलका आलिया, इस निम्मो को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, एक एक सांस बस आप बना दूंगी उसके लिए, और फिर उसकी आहें बिल्कुल ऐसे जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। वैसे डैड, क्यों ना हम निम्रा को अबान के पास ले चले, कितना मजा आएगा ना, दोनों एक दूसरे को अपने सामने मरते हुए देखेंगे। जी मैडम, आपने सुना जो बातें इन लोगों ने की हैं? मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं ये सबूत के तौर पर अपने पास सेव रखूंगी। मैडम ये बहुत सालिम लोग हैं, अबान बाबा और निम्रा मैडम को मार देंगे। आलम रिलैक्स, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने तुम्हें जो कहा है बस तुम वो करो। अबान को पुलिस बाजियाब कराएगी, तुम इस वक्त सिर्फ निम्मो और शायान को सेव करो प्लीज। मैडम आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा? आलम करना होगा, देखो इस वक्त तुम्हारे अलावा उस घर में ऐसा कोई नहीं है जो ये रिस्क ले और निमो और शायान को बचाए। जी मैडम मैं करूंगा, मैंने रीना मैडम का नमक खाया, मैं अपनी जान पे खेलकर शायान बाबा और निम्रा मैडम को बचाऊंगा। देखो किसी को शक नहीं होना चाहिए तुम पर, वरना सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जी मैडम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा आप जब कॉल करो तो मेरे दूसरे नंबर पर करना। ठीक है मैडम, आप बेफिक्र रहो।
निम्रा मैडम प्लीज उठिए, मैं आपको लेने आया हूँ, जल्दी कीजिए मैडम। मैं अब अबान और शायान के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम वो लोग भी आ जाएंगे, तायरा मैडम ने कहा है कि फिलहाल आपको और शायान बाबा को यहाँ से निकालो। प्लीज ज्यादा बातें नहीं कीजिए, अगर कोई आ गया तो हम सब फंस जाएंगे। मैडम मैं उन्हें भी ले लेता हूँ, आप तो आइए प्लीज, जल्दी कीजिए, जल्दी प्लीज। मैडम 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 वो हाँ बको भी। मैडम शायान मेरे कमरे में नहीं है। क्या कहा तुमने, शायान कमरे में नहीं, कहाँ गया है वो, तो बेहोश था ना। मैडम मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, लगता है निम्मो भाभी उठा के ले गई उसे। निम्मो निम्मो सिकंदर, जायर, सिकंदर! क्या बात है मॉम, क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ है, क्यों शोर मचाया हुआ है? निम्मो भाग गई है। क्या निम्मो भाग गई है? मैं नहीं जानता, मैं आपसे जो बोल रहा हूं वो करें, मुझे वो लड़की लाजमी चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपने वो करना है। ओके बाय। तुम लोगों को कहा था कि हाई अलर्ट रहना, हमारी इजाजत के बगैर कोई बाहर जाना नहीं चाहिए, फिर निम्रा बच्चा लेके कैसे भागी? सर हमारा यकीन कीजिए, हम अलर्ट हैं, हमने उनको नहीं जाने दिया, हम नहीं जानते कि वो कैसे घर से बाहर निकल गए। क्या खा के लड़ थे? सर वो आलम घर पर नहीं है, अशफाक ने मुझे बताया कि वो सुबह फजर से गायब है और वो आपकी गाड़ी भी लेकर गए। सर आलम तो रोज फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं। वही है, उसी ने निम्मो और शायान को भगाया है, जाओ जाकर ढूंढो। चलो जियान, शकील के बंदों को साथ लेकर जाओ, मैं उसे फोन कर देता हूं। और सुनो जिंदा मत छोड़ना, जहां भी मिले मार डालना, और सबसे पहले वहां जाकर ढूंढो जहां से वो आई थी। और अगर वो पुलिस की चली जाए तो? नहीं जाएगी। निम्मो कहाँ है? निम्मो यहाँ नहीं है, इनफैक्ट रीना मैडम की डेथ के बाद वो मुझसे मिली भी नहीं है। लेकिन जयान तुम्हें इस तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। अच्छा तुम्हें किस तरह आना चाहिए था? देखिए आपको मेरा कोई लेना देना, इसलिए कह रहा हूं निम्रा और शायान कहाँ है बता दे। देखो जयान मुझे धमकियां देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। जब मैंने कह दिया है कि निम्मो यहाँ नहीं है तो नहीं है, अब तुम इस पे यकीन करो या ना करो ये मेरा मसला नहीं है। ठीक है
see you. बड़ा आप बहुत डरपोक हैं सिकंदर अंकल, आप कुछ नहीं कर सकते। सिकंदर ने कभी भी टेंशन ली नहीं, सिकंदर ने हमेशा दूसरों को टेंशन दी है, और ये जो चंद लम्हों की जिंदगी तुम्हें मिली है इसे गनीमत जानो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारी जिंदगी से सारी टेंशन्स खत्म कर दूंगा। जहां तक सवाल डरपोक होने का है तो मैंने तुम्हारी मौत थी। कुछ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। चोर जयान, निम्रा मिली? नहीं यार, सारा दिन गुजर गया है, पता नहीं कहां चली गई है, उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई है। खैर ये सब छोड़ो, मामा कैसी है? आंटी बहुत परेशान है, अभी तो फिलहाल सो रही है, लेकिन अगर निम्रा नहीं मिली ना तो आंटी कुछ कर बैठेंगी। निम्रा का मिलना बहुत जरूरी है जयान, उसे ढूंढो वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। आंटी बता रही थी कि यहाँ पर आलम का छोटा सा घर भी है, वहाँ ढूंढो, वहाँ मिलेगी वो। हाँ जानता हूँ, उसी हरामपुर के घर जाओ, उसका भी फोन बंद है और उसकी फैमिली का भी फोन बंद है। हेलो जयान, जयान तुम ठीक हो ना? जयान ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो क्या हुआ? ज़ियान साहब, गद्दार को तो मार दिया है, लड़की गाड़ी में नहीं है। ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगी, पास में ही होगी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, ढूंढो। हम ढूंढ रहे हैं, बस आपको रिपोर्ट करते हैं। गिड़गिड़ाई थी, मैंने दे तो की होंगी ना, मरने से पहले उस निम्मो ने। वहां अंधेरा बहुत था, हमने उसके ऊपर फायर भी किए थे लेकिन वो गायब हो गई। मतलब जिंदा बच गई। डैड कंफर्म नहीं है। वो जीत गई, निम्रा मुझसे जीत गई? ऐसे कैसे जीत गई? जब तक अबान हमारी मुट्ठी में है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खोलो, खोलो।
go, my love. देखा, रोशनी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तुमसे कहा था ना मैंने कि मेरे प्यार को अधूरा छोड़ोगे तो उसका बदला मैं जरूर लूंगी तुमसे। नेमो, शायान को मैंने सुला दिया है, थकान से उसे बुखार हो गया है। अच्छा, अबान भाई का कुछ पता चला? ताहिरा मैडम ने तो कहा था कि तुम आलम भाई के साथ आ रही हो, लेकिन तुम तो अकेली आई हो। आलम भाई नहीं रहे, उन्होंने मार दिया आलम भाई को, वो भी मेरी वजह से। उन जालिमों ने तो मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी नशावर चीजें देते रहे जिस वजह से वो ठीक नहीं है। चलो, तुम परेशान मत हो, मेरे ख्याल से हमें शायान को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तुम ऐसा करो, अंदर चल के कुछ रेस्ट कर लो। अस्सलाम वालेकुम, आप निम्मो है ना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। निम्मो, ये कामरान है, मेरे हस्बैंड। आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम अपनी फ्रेंड का ख्याल रखना, इन्हें यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक है। कामरान, निमो के बेटे को बहुत तेज बुखार हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो इनके बच्चे को घर पे ही आके चेक कर जाएगा। हाँ ये ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बहन घबराइएगा नहीं, इसे अपने भाई का ही घर समझे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हाँ, मैं डॉक्टर को भेज देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। निमो, मैंने एक महीना पहले ही कामरान से शादी की है, इनका अपना कारोबार है, बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। तुमने अपनी जिंदगी में मुश्किलात भी तो कितनी देखी हैं, तुम डिजर्व करती हो ये जिंदगी। ठीक है निमो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। काश कि तुम होती ना आज, तो तुम देखती कि दानिश कमाल जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ मैं काम करने वाली। मैं जब से आई हूँ ना, आप मुझसे ज्यादा मसरूफ हो गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे मुझे। तुम्हारे पास इतने लोग जो है एंटरटेन करने के लिए, तुम्हें तुम देखना मेरे साथ इस ड्रामे में काम करके तुम बहुत ऊपर तक जाओगे। हाँ,
बोलो। सर जी ये लड़का तो बेहोश हो गया, बताएं आप क्या करना है इसका। कैसे बेहोश हो गया? अच्छा ठीक है मैं आता हूं, ज़ियान का वेट कर रहा हूं, जब तक तुम लोग उसे होश में लाने की कोशिश करो। ठीक है। सिकंदर तुम अबान से मिलने जा रहे हो? जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। क्यों? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। फिक्र? माय व्हाट, मुझे तो सिर्फ इस चीज की फिक्र है कि वो कहीं इतनी आसानी से मर ना जाए। उसको जिंदगी के लिए तरस ना देखना चाहती हूं मैं। बहुत प्यारा था ना वो, उस अमान और रीना को जितनी अजियतनाक मौत इस पागल की होगी ना, उतना ही दर्द उस अमान और रीना को मिलेगा। फिक्र ना करो, रीना और अमान की तरह इस पागल को भी ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि मौत भी काम हो जाएगी। किरण, तायरा मैडम से क्या बात हुई? अमान का कुछ पता चला? नीमो, मैं तारा मैडम को कॉल ट्राई कर रही हूँ कब से, लेकिन नहीं लग रही है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। तुम फिक्र मत करो। किरण, मेरा दिल कह रहा है कि अमान मुझे बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है, वो किसी मुश्किल में है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं अमान के बगैर अधूरी हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है उसके बगैर। नीमो तुम फिक्र मत करो, अभान भाई बहुत जल्द हमारे साथ होंगे, तुम बस दुआ करो। जी जी मैडम, मैं बिल्कुल। किरण ये जरा मैडम से बात करूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। हाँ जी जी, ये लीजिए निमो से बात करें। हेलो हेलो ताहिरा मैडम, अभान के बारे में कुछ पता चला? मामा, मुझे पता था आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आएंगी। मामा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। मामा देखिए ना, सिकंदर अंकल और ज़ियान ने मेरे साथ क्या की। मामा वो बहुत बुरे हैं। मामा मुझे प्लीज अपने साथ ले जाए, निमो शैहान के पास ले जाए, प्लीज मुझे ले जाए अपने साथ। खोलो ऐसे। मैडम सिकंदर साहब ने मना किया। सिकंदर सर, जो मैं बोल रही हूँ करो, खोलो ऐसे। खोलो। जाओ। अबान माय बेबी, बहुत दर्द दिया ना तुम्हें ज़ियान और सिकंदर अंकल ने। तुम्हारे मां
और बाप ने भी मुझे इसी तरह धरती है, ऐसे दर्द जिनके जख्म मैंने 25 साल तक करे दिए हैं और अब वो जख्म नासूर बन गए हैं, नासूर। मामा, मामा होगी तेरी माँ, चची हूं। मतलब आप भी जयान और सिकंदर अंकल के साथ मिली हुई है, मगर मॉम एंड डैड तो आपसे बहुत प्यार करते थे। रोशनी ने भी बहुत प्यार किया अमान से, बहुत सारा प्यार। तुम्हें पता है अमान का बेटा होने की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा बहुत सारा प्यार दिया, मम्मा वाला प्यार। लेकिन रीना का बेटा होने की वजह से तुमसे नफरत की, नफरत। रीना से नफरत करते हो ना? हाँ बोलो, नफरत करते हो ना रीना से? वो हालात मैंने ही पैदा किए थे कि तुम रीना से नफरत करो, नफरत। मम ऐसे मत, हम घर चलते हैं प्लीज। मम यहां से कहीं नहीं जा सकते। मम मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे घर जाने दे। शयान और निमरा मेरा वेट करें, मुझे जाने दे प्लीज। निमरा और शयान तुम्हारा वेट नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारी पापा और मॉम के पास है। मैंने अमान से वादा किया था कि तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगी, अब तुम्हें भी मरना होगा, तुम्हें भी इस दुनिया से जाना होगा, जाना होगा यहां से। You can't do this! I hate you, Baba! आपने तो मना किया था अंदर आने से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ उस पागल को, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। रुको, डैड मैं अपनी गाड़ी निकालता हूं, वो जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मिल जाएगा। ठीक, रुको, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी। उस पागल के सीने में से पहली गोली मैं मारूंगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, तुम सीधी घर जाओ, जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ। चलो चलो, चलिए। सिकंदर अंकल जो कह रहे हैं ना,
जैसा कह रहे हैं ना, प्लीज तुम उनकी कोई बात नहीं मानना। खबरदार जो इनके सामने तुम चुकी। क्या करेंगे? जान से मार देंगे, मार देंगे। आप मेरा निमोशन का कुछ नहीं कर सकते। खुदा की अदालत में पेश कर दिया और बहुत जल्द उसका फैसला भी आ जाएगा। मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए, अरे पापा कौन हो तुम, कहाँ जाना है? नहीं मारूंगा, तू नहीं मरेगा। हां हां तुझे मैं जिंदा रखूंगा, तेरे बदले में निम्मो और शायान मरेंगे और तुझे तो मैं जिंदा रखूंगा तड़पने के लिए और उन दोनों का गम मनाने के लिए। करती हो ना रीना से? वो हालात मैंने ही पैदा किए थे कि तुम रीना से नफरत करो। और मॉम के पास है। मैंने अमान से वादा किया था कि तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। अबान, अबान तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर? ऐ मेरे मौला, मेरे अबान की हिफाजत करना।
नहीं वो पागल कहाँ चला गया है। सायान, हो सकता वो किसी के घर चला गया हो। इतना जख्मी था वो, कहीं दूर चल के जा ही नहीं सकता वो। आंटी, वैसे ये सब कुछ ना आप ही की वजह से हुआ है। ना आप वहां जाती और ना वो वहां से भागता। आखिरी स्टेप पर आके फिर से आपने सबको जीरो कर दिया। खबरदार जो तुमने मुझसे स्टोन में बात की, ये बदतमीजी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सांप सीढ़ी का खेल ना मुझे मत सिखाओ। क्या गलत कहा है उसने? ठीक ही तो कहा है। सिर्फ तुम्हारी हिमाकत की वजह से ये सारा खेल खराब हो गया। अल्लाह जाने वो पागल कहां भाग गया, और उस निम्मो का भी कहीं पता नहीं चल रहा। दोनों को जमीन खा गई है या आसमान निकल गया है। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इतनी दर्दनाक मौत दूंगी ना कि कब्र में भी उसको दर्द याद रहेगा। मामा, अब प्लीज आप कुछ मत कीजिएगा। जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। डैड, मेरे बंदे ने बताया कि अबान उस एरिए के किसी भी घर या शॉप में नजर नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो पागल और निम्मो आपस में रابطे में है और दोनों मिलकर कहीं छुप गए। डोंट वरी डैड, मेरा बंदा लगा हुआ है ना, ढूंढ निकालेगा उन्हें। वैसे भी मुझे कहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मैं आपको बता दूं ताकि आप पहले पहुंच के सारा प्लान खराब कर दे। अच्छा, और जो इतने सालों से मैं प्लान कर रही थी वो? एक गलती क्या हो गई तो मैं ही बुरी बन गई। हाथ होती है शुक्री की। डैड, आप कम से कम इन्हें तो चुप करवा ले प्लीज। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो, तुम्हारी वजह से।